हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूपीएससी एनसीईआरटी एंड स्टैटिक पोर्शन। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट फोर्थ लेसन ऑफ हिस्ट्री एनसीईआरटी ऑफ क्लास सिक्स। द फोर्थ लेसन इज ऑल अबाउट व्हाट बुक्स एंड ब्यूरल्स टेल्स अस। इन दिस लेसन वी विल कवर ऑल दिस कीवर्ड, वेदास, लैंग्वेज, हिम, चैरियट, सैक्रीफाइस, राजा, स्लेव, मेगालिथ, ब्यूरियल, स्केलेटन, आयरन। दीज कीवर्ड्स वी विल डिस्कस इन दिस चैप्टर, सो प्लीज बी विद अस 20 to 30 मिनट आई थिंक, एंड वी विल कवर ऑल द रिलेटेड टॉपिक्स। बिफोर वी स्टार्ट द चैप्टर आई वॉन्ट टू क्लियर दैट इफ यू डोंट जॉइन दिस टेलीग्राम चैनल, आई रिकमेंड यू टू जॉइन। प्लीज चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बिलो एंड जॉइन द टेलीग्राम चैनल। You can also join Telegram channel with Telegram search box, using search box and typing UPSC beginner, and you can simply join it. Let's start today's session. The chapter, what books and burials tells. Okay, books or burials, जो burials होती हैं, जो आप कह सकते हैं burials को, या फिर कहेंगे कब्र कह सकते हैं हिंदी में, ठीक है। और ये क्या हमें क्या बताती है, या फिर जो एंशियंट टाइम की जो बुक्स है वो हमें क्या बताती है, ठीक है। ये एक मेरी इन लाइब्रेरी, मेरी करके कोई गर्ल थी, वो फर्स्ट टाइम लाइब्रेरी विजिट की, तो उसने पाया कि लाइब्रेरी में बहुत सारी किताबें पढ़ी है, और इतनी सारी किताबें काफ़ी अलग अलग सेक्शन से रिलेटेड थी। So it is not our matter of chapter. We will start with one of the oldest literary sources in the world. अगर आप ये देखेंगे कि सबसे जो पुराना literary source world में कौन है, तो वो सीधा सीधा नाम आता है अपना वेदास। वेदास से related नाम आएगा वेद। वेद जो क्या है, सबसे oldest कह सकते हैं oldest literary source in the world। अब वेदास के बारे में अगर हम पढ़ेंगे, ठीक है, तो आप पाएंगे कि वेदास, जस्ट अ सेकंड, यस, कितने प्रकार के होते थे और इनकी जो इंक्रिप्शन हुआ या फिर ये कब लिखे गए, इनके बारे में हमें एक्चुअल में पढ़ना है। तो आप देखेंगे कि जो सबसे ओल्डेस्ट जो सोर्स है लिटरेरी, वो है वेद या फिर वेदास, और ये है टोटल चार। और वेद कब लिखे गए, ले वेद लगभग 3500 ईयर्स एगो, ये लिखे हुए 3500 ईयर्स एगो, ठीक है, उस टाइम में ये लिखे हुए। आप आप काउंटिंग कर सकते हैं कि 3500 ईयर एगो, 2000 साल तो ये निकाल दो, और 1500 साल पहले, ठीक है। ओके, अब वेद कितने हैं आप देखेंगे कि इसके अंदर आप पाएंगे कि ऋग वेदा, साम वेदा, यजुर्वेदा एंड अथर्वेदा। तो फिर ऋग वेद कितने, वेद चार है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल ऋग वेदा, ठीक है, आपको पढ़ना है इस जो पर्टिकुलर इस चैप्टर के अंदर आप ऋग वेदा के बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे, ठीक है। और आपको अगर नाम याद रखने के लिए ये याद रखना बहुत ज़रूरी, सामवेदा, यजुर्वेदा, यजुर्वेदा एंड जो फोर्थ वन इज अथर्ववेदा, अथर्ववेदा, अथर्ववेदा। ओके, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर ये थोड़ा मेरी स्पीड अगर आपको धीमे लग रही है या फिर धीरे लग रही है, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि थोड़ी स्पीड में देखें वीडियो को, और 2x में देख सकते हैं, 1.5x में देख सकते हैं, ओके, ताकि फ्लो ऑफ टीचिंग बना रहे, ठीक है। और नेक्स्ट सुक्ता और वेल सेड। अगर आप वेद को देखेंगे तो वेद के अंदर एक्चुअल में है क्या, इन सब वेद के अंदर एक्चुअल में एक ही पॉइंट है, वो है, वो है हम। क्या है हम सर, ये क्या होता है, अगर आप हिंदी में बोलेंगे तो इसको बोलेंगे भजन, या फिर ऐसा कुछ कह सकते हैं कि श्लोक कह सकते हैं, ठीक है, इसको आप श्लोक भी बोल सकते हैं। वो श्लोक किनको है, डिवोटेड है, श्लोक डिवोटेड, इसको हम हमको बोलेंगे सुक्ता या फिर वेल सेड या फिर श्लोक कह सकते हैं, ठीक है, थीके? आप हिंदी में जो वेद सारे के सारे हम लैंग्वेज में लिखे हुए, ठीक है, सारे वेदों के अंदर हम लिखे हुए, ठीक है, और हमको हम बोलेंगे वेल सेड
ठीक है, दीज हम्स आर इन फ्रेज ऑफ वेरियस गॉड। ये जो हम्स की किसके संदर्भ में लिखे हुए, वेरियस गॉड के बारे में लिखे हुए, ठीक है। आप जो हम्स लिखेंगे या फिर श्लोक लिखेंगे तो वो प्रेज कर रहे हैं, ठीक है, प्रशंसा कर रहे हैं वेरियस गॉड की। और स्पेशली जो ऋग्वेदा के अंदर तीन गॉड है वो कौन कौन से, आप देख सकते हैं कि तीन स्पेशली मेंशन किए हुए, वो अग्नि फर्स्ट, सेकंड जो अग्नि है द गॉड ऑफ फायर इंद्र, ए वॉरियर गॉड, एंड सोमा या फिर सोम कह सकते हैं, सोमा, ठीक है, ए प्लांट फ्रॉम विच ए स्पेशल ड्रिंक वॉज प्रिपेयर्ड, ठीक है। तो थ्री गॉड आप एग्जाम में आपको ये पूछेगा, इसके अंदर से, इस पेज के अंदर से आपको स्पेशली याद रखना है कि जो वेद है या फिर ओल्डेस्ट लिटरेरी सोर्स कौन से है वर्ल्ड के अंदर, तो वो वेद है। वो कब लिखे हुए थे, 3500 ईयर एगो लिखे हुए पहले से, ठीक है। कितने प्रकार के, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद, ठीक है। और वेद की जो लैंग्वेज क्या है या फिर किस स्टाइल में लिखे हुए हैं, वो हम स्टाइल में लिखे हुए उनको कह सकते हैं या फिर श्लोक कह सकते हैं। और जो हम को हम बोलते हैं सूक्ता, ठीक है। अब सूक्ता क्या बोलते हैं या फिर वेल सेड, सूक्ता का जो लिटरली मीनिंग होता है वेल सेड, ठीक है, जो अच्छा बोला गया हो किसी के बारे में, जो किसके बारे में बोला गया है, गॉड के बारे में। तो गॉड कौन कौन से है, इंपॉर्टेंट थ्री गॉड है, अग्नि है द गॉड ऑफ फायर। अगर आपको एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया कि गॉड ऑफ फायर मेंशन इन द ऋग्वेदा कौन है, तो वो अग्नि, ठीक है। द या फिर कह सकते हैं वॉरियर गॉड, वो है इंद्रा, ठीक है। और सोमा, आप देख सकते हैं कि सोमा एक प्लांट का नाम भी है और उससे एक ड्रिंक प्रिपेयर किया जाता है स्पेशल प्रकार का। ये आपको कंप्लीट होना चाहिए अपने दिमाग के अंदर, ठीक है। थैंक, नेक्स्ट मूव ऑन। अब सेगस, सर जो जो वेद है, ठीक है, वेदास है, जो वेदास है या फिर वेद है, वेदा है, वो रिटन बाय किसके द्वारा रिटन किए हुए, ठीक है, किसके द्वारा लिखे हुए, रिटन बाय सेगस, ठीक है। तो सेगस या फिर ऋषि मुनि है, उन्होंने इन सबको लिखा है, और इन्होंने लिख के किसको डिनोट किया है, ये गॉड को डिनोट किया है कि यस, जो प्रेज किए जो ऋषि मुनियों ने, जो या फिर सेज है, उन्होंने सेजेस, उन्होंने सारी की सारी जो प्रशंसा है वो गॉड की है, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो द मोस्ट हिम्स वार कंपोज टोट एंड लिटरली, ठीक है, एक ये अलग बात होगी। देख सकते हैं कि जो कंपोज है ये ऋषि या फिर फ्रिस टोस्ट, अब देखो ये सेजेस के द्वारा कंपोज किए हुए, ठीक है, रिटन बाई या फिर कंपोज बाई, ठीक है, आप कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर आप देखेंगे कि जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो 3500 ईयर एगो, ठीक है, 3500 ईयर एगो, आप देखेंगे कि उस समय क्या होता था, उस समय आपको या तो हर्ड करना पड़ता है, कैसे, या तो सुनो, मैंने कुछ गलत तो नहीं लिखा है, स्पेलिंग आप चेक कर लेना, ठीक है, ओके, रिसाइट एंड मेमोराइज, ठीक है। आप देखेंगे तो इसके अंदर जो श्लोक वगैरह होते थे या फिर कह सकते हिम्स होते थे, वो या तो सुने जाते थे या फिर उसको रिसाइट करना पड़ता था, बार बार प्रोनाउंसिएशन करके आपको रिसाइट करना, या फिर उसको आप मेमोराइज करना पड़ता था। मेमोराइज कैसे, आपने कभी कभार देखा होगा कि अगर आप स्कूल टाइम्स में होते हो, ठीक है, तो आपको प्रेयर बार बार रिसाइट या फिर मेमोराइज हो जाती है, उसका रीजन क्या है कि बार बार रिसाइट की उन्होंने, ठीक है, हमने सुना प्रेयर को सुना, ठीक है। तो उस टाइम में क्या होते थे, इतनी जो लिखाफटी या फिर कह सकते हैं कागज़ वगैरह नहीं यूज़ होते थे, ठीक है, देर इज़ नो यूज़ ऑफ पेपर, पेपर का यूज़ नहीं होता था, ठीक है। तो उस टाइम में डिपेंड करना पड़ता था या फिर उसको हमें अपने को मेमोराइज करके रखना पड़ता था इन सब को। लेकिन धीरे धीरे जो ऋषि मुनि धीरे धीरे इन सब को एक कंपोज या फिर कह सकते हैं इनको लिखने में भी सफल हो गए, ठीक है। वो कब हुआ, वो 3500 ईयर एगो ये सफलता मिली इनको कि हाँ हम इसको लिखेंगे, लेकिन लिखेंगे किस पे, आप देखेंगे कि प्रीवियस सेशन में हमने पढ़ा था मनुस्क्रिप्ट, ठीक है उसके बारे में पढ़ा था, ठीक है, हस्तलिपिया, ठीक है,
वो किसके ऊपर, या तो आप किसी बार्क पे लिखी जाती थी, ठीक है, बार्क्स, या फिर किसी के लीफ पे लिखी जाती थी, ठीक है, या फिर किसी मेटल के ऊपर लिखी जाती थी, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि जो मनुस्क्रिप्ट के अंदर लिखा हुआ है या फिर जो वेदे जो वेदा है उनका कंपोजिशन 3500 ये रेगो बाई सेजेस ऋषिज के द्वारा किया गया। और जो इससे पहले क्या होता था, इससे पहले या तो सुन के याद रखा जाता था, रिसाइट किया जाता था, प्रोनाउंस बार बार और मेमोराइज किया जाता था। नेक्स्ट मूव ऑन, अब देखते हैं कि जो संस्कृत जो वेद है जो उनकी लैंग्वेज क्या थी। आप देखेंगे कि जो इनकी लैंग्वेज है ये मोस्टली रिटन इन संस्कृत, संस्कृत के अंदर लिखे हुए ये सब मोस्ट ऑफ रिटन इन द संस्कृत। तो जो संस्कृत का जो कह सकते हैं कि उद्गम कैसे हुआ या फिर ये किस फैमिली से बिलोंग करती है, इनका क्या अदर्स जो लैंग्वेज है उनसे क्या कनेक्शन है। अगर आप देखेंगे संस्कृत एंड अदर लैंग्वेज तो आप देखेंगे कि ये जो पार्ट है ये इस फैमिली का पार्ट है, इंडो यूरोपियन लैंग्वेज फैमिली। इंडो यूरोपियन क्यों, देखो अगर आप मैप देखेंगे तो जो यूरोपियन लोग आए थे इंडिया के अंदर, ठीक है, माना कि ये इंडिया है, ठीक है, आप यूरोपियन, आप मैंने पहले ही बताया था कि जो यूनानी लोग है यूरोपियन लोग वो आए थे सिंधु नदी के किनारे या फिर वो इंडस नदी, ठीक है, वो सिंधु को हिंदूज बोलते थे, कभी एक बार हिंदूज बोलते थे, ठीक है। तो इंडो और इंडो विथ यूरोपियन ये फैमिली बनी लैंग्वेज की सबसे ओल्डेस्ट फैमिली कह सकते हैं, ठीक है, इंडो यूरोपियन लैंग्वेज फैमिली सबसे ओल्डेस्ट फैमिली कह सकते हैं आप लोग, ठीक है। इसके अंदर कौन कौन सी लैंग्वेज आती थी, देखो सम इंडियन लैंग्वेज सेस असामीज इसके अंदर है, गुजराती है, हिंदी है, कश्मीरी एंड सिंधी, दिस सम इंडियंस लैंग्वेज कह सकते हैं कि इनका जो उद्गम है या फिर इनका जो फॉर्मेशन हुआ है ये इंडो यूरोपियन लैंग्वेज फैमिली से हुआ है। और एशियंस कुछ लैंग्वेज जैसे कि पर्शियन लैंग्वेज है, मैनी यूरोपियन लैंग्वेज सेस इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, ग्रीक, इटालियन एंड स्पेनिश बिलोंग दिस फैमिली, ये सब एक फैमिली से बिलोंग करते हैं। अगर आप एक एग्जाम्पल देंगे इसके अंदर आप आइए सॉरी इसके अंदर आएंगे, देखो टैग द वर्ड्स मात्र, अगर आप मात्र संस्कृत वर्ड आप पाएंगे तो इसके अंदर आप देखेंगे कि जो मातृ वर्ड है इसके अंदर आप हिंदी में देखेंगे तो इसको माँ लिखेंगे हम, ठीक है, और इंग्लिश में आप देखेंगे तो इसको मदर लिखेंगे। तो आपको इसके अंदर कुछ सिमिलरिटी दिखी हुई कि सर दोनों वर्ड क्या है, एम से स्टार्ट हो रहे, कैसे, हिंदी में आप माँ लिख रहे हो, ठीक है, इंग्लिश में मदर लिख रहे हो, देखो कुछ तो इसका कनेक्शन है, इसलिए हिंदी और इंग्लिश में काफ़ी सिमिलरिटीज है, ठीक है, इन जो वर्ण के अंदर या फिर कह सकते जो भी मैटर यूज किया हुआ है इसके अंदर, ठीक है। तो आपको एग्जाम के अंदर पूछ सकता है क्वेश्चन, सर इंडो यूरोपियन लैंग्वेज फैमिली से कौन कौन सी जो लैंग्वेज से बिलोंग करती है और उसके अंदर जो पर्टिकुलरली इंडियन लैंग्वेज कौन सी है, जो आप देख सकते हैं असामीज है, गुजराती है, हिंदी है, कश्मीरी एंड सिंधी, दीज फाइव लैंग्वेज बिलोंग टू इंडो यूरोपियन लैंग्वेज फैमिली, ठीक है। संस्कृत इज द पार्ट ऑफ इंडो यूरोपियन लैंग्वेज फैमिली, ठीक है। और जो पर्शियन लैंग्वेज है, पता है आपको इराक के अंदर एक कुछ ग्रंथ है जो सम कंटेम्प्रेरी ऑफ कह सकते हैं इसका जो वेद के कंटेम्प्रेरी ग्रंथ है, ठीक है, आप उसके बारे में भी आगे पढ़ेंगे ईरान के अंदर, तो पर्शियन लैंग्वेज भी है। नेक्स्ट मूव ऑन द लैंग्वेज, देखो कुछ और जो फैमिली है उनके बारे में आप देखिए, जो मैन तो आप पहले आप देखिए कि सो फैमिली इसका क्या मीनिंग होता है, बिकॉज दे ओरिजिनली हैड वर्ड्स इन कॉमन, ठीक है, जो आप इनकी जो उत्पत्ति है या फिर ओरिजिनली इनके जो वर्ड्स कॉमन है इसलिए इनको एक फैमिली के अंदर रखते हैं। देखो लैंग्वेज दोज यूज्ड इन नॉर्थ ईस्ट, अगर आप इंडिया का मैप देखेंगे, ठीक है, इस तरह कुछ इंडिया का मैप है, अगर आप देखेंगे तो आप जो पाएंगे कि इस भाग में यूज होती है जो नॉर्थ ईस्ट के अंदर उसको हम बोलेंगे तिब्बतो बर्मन फैमिली, तिब्बतो बर्मन फैमिली। और जो इसके अंदर कौन सी लैंग्वेज आ सकती है तिब्बतो बर्मन फैमिली के अंदर, असामीज आ सकते हैं या फिर मिजोरम से रिलेटेड जो लैंग्वेज है, ठीक है। और नेक्स्ट मूव ऑन, जो तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा,
मलयालम बिलोंग्स टू द्रविडियन फैमिली। देखो आपको याद रखनी है कि कौन कौन प्रकार की जो फैमिली इंडिया के अंदर अस्तित्व में है, तो तिब्बतो बर्मीज फैमिली या फिर बर्मन फैमिली कह सकते हैं। द्रविडियन फैमिली के अंदर कौन कौन सी आती जो साउथ के अंदर पड़ती है, तो तमिल, तेलुगु, कन्नडा एंड मलयालम इज बिलोंग टू द्रविडियन फैमिली। एंड नेक्स्ट मूव ऑन द ऑस्ट्रो एशियाटिक फैमिली। अब देखिए ऑस्ट्रो एशियाटिक फैमिली सर, देखिए हाँ, स्पोकन झारखंड, पार्ट्स ऑफ सेंट्रल इंडिया। अब सेंट्रल इंडिया किस, ये वाला पार्ट है, इसके अंदर क्या है, ऑस्ट्रो में एक कह सकता हूँ कि थोड़ा कर्म वगैरह लगा दूँ ताकि आपको इसको आप एक नंबर मानिए, इसको दो नंबर मानिए और इसको तीन नंबर और इसको चार नंबर। तो आप देखेंगे कि जो वन नंबर है, ठीक है, ये इस भाग में है, ठीक है, इस भाग में जो हिंदी का ज़्यादा बेल्ट है, ठीक है, गुजराती भी शामिल है, कश्मीरी भी है, सिंधी भी है, ठीक है, जो ये वाली पार्ट है आप असम को भी इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। और जो सेकेंड वाला पार्ट है तिब्बतो बर्मीज फैमिली, इसको आप यहाँ डिनोट कीजिए। और थर्ड नंबर पर जो द्रविडियन फैमिली है, जो द्रविडियन फैमिली ये वाला पार्ट रहा, ये थर्ड नंबर है। और जो ऑस्ट्रो एशियाटिक फैमिली ये वाला जो झारखंड और ओडिशा जो रीजन है, ठीक है, कह सकते हैं जो सेंट्रल इंडिया का जो बिलोंग्स टू वो ऑस्ट्रो इंडिया। तो इस प्रकार से आप मैप से डिनोट करके भी याद रख सकते हो। नेक्स्ट मूव ऑन, हाउ हिस्टोरियन स्टडी द ऋग्वेदा, जो ऋग्वेदा है वो कैसे स्टडी की, ठीक हो। देखो आप पाएंगे कि अगर ऋग्वेद को आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि इसकी जो संस्कृत लैंग्वेज है, ठीक है, संस्कृत जो फिलहाल जो हम पढ़ते हैं स्कूल्स के अंदर या फिर आप मॉडर्न संस्कृत से, ये काफ़ी डिफरेंट है, डिफरेंट फ्रॉम मॉडर्न संस्कृत, डिफरेंट फ्रॉम मॉडर्न संस्कृत, मॉडर्न संस्कृत। इसका मेन रीज़न क्या है, जो पहले ज़माने में या फिर एंशिएंट टाइम में काफ़ी जो संस्कृत यूज़ की जाती थी, वो जो मॉडर्न टाइम में संस्कृत यूज होती है उससे काफ़ी डिफरेंट है। तो उन्होंने हिस्टोरियन ने क्या पढ़ा, कैसे, देखो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं, मैंने ऑल जो प्रीवियस क्लास के अंदर आपको एक्सप्लेन कर रखा है, जो आर्कियोलॉजिस्ट है उसको या फिर उनको जो भी कुछ मिले पास से रिलेटेड, ठीक है, इन एडिशन टू मटेरियल रिमेंस, इनके अलावा भी ये क्या है, जो मटेरियल होता है रिमेंस है उनके अलावा भी ये क्या करते हैं, जो रिटर्न सोर्सेज है उनको भी ये एग्जामिन करते हैं। देखो मैंने कल पढ़ाया था कि जो काफ़ी सारे जो मटेरियल रिलेटेड है, जैसे कि आपने पढ़ा था हड़प्पा से रिलेटेड, जो हड़प्पा सिविलाइजेशन है, ठीक है, उसके अंदर मोहनजोदड़ो से जो एक मूर्ति मिली थी अपन को, ठीक है, तो वो तो या फिर उनका एनालिसिस तो करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो रिटर्न सोर्सेज है उनका भी एनालिसिस किया जाता है बाय द हिस्टोरियन या फिर आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा, ठीक है। तो अब हम देखना है कि जो स्टडी ऑफ ऋग्वेदा की हुई है, सम ऑफ द हिम्स इन द ऋग्वेदा आर इन द फॉर्म ऑफ डायलॉग, ठीक है, जो हिम्स या फिर श्लोक है जो ऋग्वेदा के अंदर वो डायलॉग्स के फॉर्म में है, ठीक है, डायलॉग के अंदर। डायलॉग कैसे हो सकता है कि सर कोई दो जो पर्सन है या फिर जो कह सकते हैं कम्युनिकेशन हो रहा है दो पर्सन के बीच में, जैसे कि इसके अंदर सर एक एग्जांपल लिया है कि जो विश्वामित्र है वो रिवर से बात कर रहा है, ब्यास और सतलज। अब आपको मैप के अंदर देखेंगे तो एक मैप दिखाता हूँ आपको, आप इस मैप के अंदर देखेंगे तो आप आएंगे कि ब्यास और सतलज कहाँ पे, ठीक है, तो आप देखेंगे कि ये झेलम, ठीक है, इनसे रिलेटेड ये ब्यास है, सतलज है, ये सब जो नदियां हैं सिंधु घाटी रिलेटेड, ठीक है, ओके। आपको ये ध्यान में होना चाहिए कि जो ब्यास और सतलज नदियां कहाँ पे है, ठीक है, तो एक आपको हिस्टोरिकली एक जियोग्राफिकली इंडिकेशन मिल जाएगा कि हाँ इस पार्ट में या फिर इस भाग के अंदर वो क्या है, इसका फॉर्मेशन हुआ था या फिर इनका इन वेदों को लिखा गया था, ठीक है। नेक्स्ट, वर्शिप्ड और एज गॉडेस, जो रिवर है वो एक गॉड की तरह वर्शिप की जाती थी। अब आप देखेंगे कि इस पेज के अंदर आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट है, अब आप इस डायग्राम को देखो, ठीक है, ये है एक ऋग्वेद का पार्ट है, ठीक है, ऋग्वेदा का पार्ट है। आप देखेंगे कि जो मनुस्क्रिप्ट पेज फ्रॉम मनुस्क्रिप्ट, ठीक है, ये क्या है, ऋग्वेद, ठीक है, दिस मनुस्क्रिप्ट ऑफ ऋग्वेदा ऑन ब्रिस, जो बीस बार्क होता है, ये जो बीस
का पेड़ है, ठीक है, आप देखेंगे ये ऐसा पेड़ होता है, उसकी जो साल होती है उसके ऊपर ये लिखी गई है, ठीक है। तो ये इसको प्रिजर्व भी करना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता था, ठीक है। फाउंड इन कश्मीर के अंदर ये प्राप्त हुआ 150 years ago, it was used to prepare one of the earliest printed text of Rigveda, as well as the English translation. It is now preserved in the library of Pune, Maharashtra. इसको अब प्रिजर्व किया गया है लाइब्रेरी ऑफ पुणे महाराष्ट्र के अंदर, और 150 years ago पहले या फिर 150 साल पहले इसकी खोज हुई थी। और बिस को हिंदी में क्या बोलेंगे वो मुझे भी नहीं पता, आई थिंक अगर आप चाहो तो उसको ट्रांसलेट करके समझ सकते हो, लेकिन आपको ये याद रखना है कि यस इसको या फिर इसकी साल से क्या है सॉरी जो इसका इसकी साल का यूज़ है वो ऋग्वेद या फिर जो काफ़ी सारे जो वेद है उनको लिखने में यूज़ होती थी। देखो यहाँ पे एक डिस्कशन लिखा हुआ है, जो नदी है, ठीक है, रिवर्स और विश्वामित्र के एक बारे में बात की गई है। तो उसके अंदर डिस्कशन क्या है कि विश्वामित्र बोल रहे हैं कि वो नदियाँ आप इतनी तेज़ तर्रार घोड़ों की तरह और इतनी जो काऊ होती है या फिर गाय होती है इतनी साइनिंग कर रहे हो आप, थोड़े क्या है धीरज रखिए या फिर कह सकते हैं कि आप थोड़ा आराम करिए, ठीक है, और ताकि हम क्या है हम इस नदी को आराम से पार कर सकते हैं। तो इसके अंदर आपको दो वर्ड यूज हुए, ठीक है, एक तो आप स्विफ्ट हॉर्स के बारे में और दूसरा जो साइनिंग काउज दैट लिक देयर काउज, जो बछड़ों को चाटती हुई काऊ है उनके बारे में ये। फिर तो आप इसके जो डिस्कशन है उसके रिलेटेड आप क्या कंक्लूजन निकालेंगे उसके बारे में अपने को डिस्कस करना है, ठीक है। देखो हिस्टोरियन पॉइंट आउट दैट दिस हिम्स वॉज कंपोज्ड इन द एरिया वेयर द दीज रिवर्स फ्लो। जो हिस्टोरियन क्या निकाला है कंक्लूजन कि जो ये कंपोजिशन हुआ है इसका ये उस एरिया के अंदर हुआ है जहाँ पे रिवर फ्लो करती है, ठीक है। दे ऑल्सो सजेस्ट दैट सेज लिव्ड इन सोसाइटी वेयर हॉर्सेज, जो ऋषि है सन्यासी है सेजेज है वो उस सोसाइटी के अंदर रहते थे, उसके अंदर उस सोसाइटी के अंदर हॉर्सेस एंड काउज वर वैल्यूड एनिमल, जो काऊ है और हॉर्स है वो काफ़ी वैल्यूबल एनिमल थे, ठीक है, ताकि इसलिए उनका यूज हुआ है, ठीक है। दैट इज वाई द रिवर आर कंपेयर्ड द हॉर्स एंड काऊ, इसलिए जो रिवर है उनका कंपेरिजन हॉर्स से और काऊ से हुआ है, ठीक है। आप देखेंगे कि जो स्पेशली जो रिवर है ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर, ठीक है, आप देखेंगे कि जो सरस्वती रिवर है, ठीक है, सरस्वती नेम्ड इन हिम्स द गंगा एंड यमुना आर नेम्ड ओनली वंस। अगर आप काफ़ी टाइम जो सरस्वती का काफ़ी ज़्यादा यूज हुआ है, अगर आप ऋग्वेद के अंदर देखेंगे तो सरस्वती रिवर है सरस्वती उसका काफ़ी ज़्यादा हुआ है, और यमुना और गंगा, ये जो गंगा और यमुना रिवर है इनका काफ़ी कम या फिर एक बार ही यूज हुआ है। तो आप देखेंगे कि जो फॉर्मेशन हुआ है इन वेदों का या फिर कंपोजिशन हुआ वो काफ़ी नॉर्थ वेस्ट पार्ट में हुआ है इंडिया के। नेक्स्ट मूव ऑन, अब देखेंगे कि इसके अंदर काफ़ी सारे जो कैटल है हॉर्सेज है एंड चैरियट है इन तीनों का मेंशन किया हुआ है, तो इन तीनों का क्या इम्पोर्टेंस था उस सोसाइटी के अंदर। देखो पहली तो अगर आप कैटल नाम सुनते ही आपको अगर सोसाइटी की एक्टिविटी या फिर इकोनॉमी एक्टिविटी के बारे में आप जानेंगे तो आपको पता चलेगा जो कैटल है वो मेनली क्या होता है, आप देखेंगे कि जो हर्ड्स वगैरह रखते हैं हर्ड्स, ठीक है, हर्डर जो सोसाइटी जो काउज वगैरह वो रखते हैं या फिर उनका पशुपालन से रिलेटेड, ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड सोसाइटी को हम डिनोट करेंगे एक अगर कैटल का नाम आया है किसी सोसाइटी के अंदर। अगर ज़्यादा हर्ड्स वगैरह रखेंगे तो इनका जो इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है, और हॉर्सेस एंड जो चैरियट है इनका कहाँ यूज़ होता था, ठीक है, जो हॉर्सेस है इनको आप देखेंगे कि जो चैरियट रथ को इसको क्या है पुल करने के लिए, ठीक है, इसको खींचने के लिए हॉर्सेस और चैरियट का यूज़ होता था। तो आप देखेंगे कि जो कैटल है हॉर्स है और चैरियट
अब देखेंगे कैटल काफ़ी इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट हो गया यहाँ पे, और आप देखेंगे हॉर्सेस एंड चैरिएट है। चैरिएट को खींचने के लिए हॉर्सेस का उपयोग किया जाता था, और चैरिएट किस पर्पज़ के लिए यूज होते थे, ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स कह सकते हैं, इस संदर्भ में ये यूज होता था। ठीक है, तो आप देखेंगे कि जो चैरिएट का यूज होता था गुड्स को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए। ठीक है, सेकंड बात है कि जो चैरिएट है उसको खींचने का काम करते थे हॉर्सेस, और जो कैटल है वो इकोनॉमिकली काफ़ी इम्पोर्टेंट था, इसलिए वो हर्ड्स के रूप में काफ़ी सोसाइटी के अंदर प्रचलित था। ठीक है, उनको पाला जाता था। ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री कह सकते। ठीक है, इस प्रकार से ये जो तीनों जो वर्ड है, कैटल, हॉर्सेज एंड इन रेफरेंस टू जो ऋग्वेद टाइम पीरियड है, ठीक है, उस टाइम पीरियड, जैसे कि ये जो टाइम पीरियड बता रहे हैं जो 3500 ईयर एगो, ठीक है, उस टाइम में ये इनका जो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता था। अब इस संदर्भ में यूज होता है बैटल वर्ड का। अब देखेंगे कि सर बैटल्स क्यों यूज हुआ है। ठीक है, तो जो बैटल अगर वर्ड यूज हुआ है तो इसका मेन रीजन हो सकता है कि या तो हर्ड्स से रिलेटेड ये बैटल हुआ है, ठीक है, हर्ड्स ऑफ कैटल, ठीक है, उनसे रिलेटेड। ठीक है, अगर ये नहीं हुआ तो किसी जैसे कि वाटर बाउंड्री या फिर वाटर से रिलेटेड हो सकता है। ठीक है, थर्ड नंबर पे ये सब अजम्पशन लगाए गए हैं। ठीक है, और जो आर्टिफैक्ट हमें प्राप्त हुए उनसे हम अजम्पशन लगाते हैं कि यस, जो बैटल जो मेनली जो कैटल के लिए बैटल होता था, वाटर के लिए होता था, या फिर इसकी जो बाउंड्री के लिए होता था। ठीक है, बाउंड्री मतलब कह सकते हैं कि जो ग्रेजिंग एरिया होता है, ग्रेजिंग एरिया, आप समझ रही है कि जो कैटल रखेंगे तो आपको ग्रेजिंग एरिया, ठीक है, चारागाह वगैरह उनके लिए एरिया भी होना चाहिए अपन के पास। ठीक है, तो इसके लिए क्या है, बैटल होते थे। ठीक है, अब जो बैटल से प्राप्त वेल्थ होती थी, ठीक है, अब मेनली आप बैटल के अंदर देखेंगे, ठीक है, जो वेल्थ होती थी बैटल के अंदर से प्राप्त, बैटल के अंदर कौन बैटल करता था, तो एक जो पावरफुल मैन होता था। ठीक है, पावरफुल मैन कैसे कहेंगे कि सर पावरफुल मैन है, उसके अंदर न तो कोई राजा वगैरह ऐसे कुछ कह सकते हैं कि कोई राजा ही बैटल लड़े, ये कोई इम्पोर्टेंट नहीं था उस टाइम में। ठीक है, वेल्थ का कहाँ यूज होता था, वेल्थ का या तो सोसाइटी के अंदर कुछ कह सकते कि बाहर देते थे, या फिर ये यजनाज को हिंदी में बोलेंगे आप यज्ञ। ठीक है, इनको परफॉर्म करने के लिए, जैसे कि जो आप देखेंगे कि जो कैप, ठीक है, जस्ट ए सेकंड, पेन चेंज कलर, देखो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। ठीक है, अगर आपको समझ में आ रहा है अच्छे से तो आप थम्स अप कीजिए। ठीक है, यजना सेक्रीफाइस विच ऑफरिंग मेड इनटू द फायर, ठीक है, गोडेज वगैरह, तो जो यज्ञ के अंदर भी वेल्थ तो से रिलेटेड या फिर बड़े बड़े यज्ञ आपने काफ़ी हिस्ट्री के अंदर सुना भी होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो बैटल्स होते थे, बैटल्स किस कारण होते थे, ठीक है, और वेल्थ जो बैटल से प्राप्त होती थी या फिर जो वेल्थ के कारण भी बैटल होते थे, तो वो किस लिए, किस पर्पज़ के लिए यूज होती थी। ठीक है, देखिए, सम बैटल्स वर फाउट फॉर वाटर एंड कैप्चर पीपल। ठीक है, अब पीपल को कैप्चर क्यों करेंगे, कैप्चर द पीपल, अब देखिए कैप्चर आप एक पॉइंट यहाँ पे डिनोट कर सकते हैं, कैप्चर पीपल। अब पीपल को कैप्चर करने का एक ही वो हो सकता है इंटेंशन कि इसको बनाएंगे हम स्लेव दास। ठीक है, दास बना के अपने यहाँ काम करवाएंगे, ये इंटेंशन होता था, और कोई इंटेंशन इसके अंदर मेंशन नहीं किया हुआ है। नेक्स्ट मूव ऑन। ठीक है, वर्ड्स टू डिस्क्राइब पीपल। अब आप देखना है कि जो वर्ड्स है वो पीपल को किस प्रकार से डिस्क्राइब करते हैं, इनके अंदर जो मेंशन वर्ड है। ठीक है, अब आप देखेंगे कि देर आर सेवरल वे ऑफ डिस्क्राइबिंग पीपल, काफ़ी सारे वेज है आप डिस्क्राइबिंग पीपल को डिस्क्राइब कर सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ द वर्क दे डू, अगर आप वर्क के हिसाब से उनको डिस्क्राइब करना चाहते हैं, लैंग्वेज के हिसाब से जो बोलते हैं उनके हिसाब से, प्लेस जहाँ रहते हैं वो, या फिर फैमिली, या फिर कम्युनिटी, या फिर कल्चर प्रैक्टिस, इनके हिसाब से आप जो पीपल को डिस्क्राइब कर सकते हो। ठीक है, देखिए अब बात आती है कि सर
ऋग्वेद, पर्टिकुलरली जो ऋग्वेद के अंदर हम किस प्रकार से जो पीपल का डिस्क्रिप्शन हुआ है या फिर किस प्रकार से वो उन लोगों का परिचय हुआ है, ठीक है। देयर आर टू ग्रुप्स, अगर ऋग्वेद देखेंगे तो उसके अंदर आप दो ग्रुप पाएंगे, ठीक है। ऋग्वेदा के अंदर दो ग्रुप है, सॉरी, ठीक है, दो ग्रुप्स। फर्स्ट वन इज द कौन सा, द प्रिस्ट, एंड सेकेंड वन इज द राजा, ठीक है। यहाँ पे प्रिस्ट और सेकेंड वन पे राजा, ठीक है। तो जो प्रिस्ट होता था, ठीक है, डिस्क्राइब इन टर्म देयर वर्क इज प्रिस्ट, ठीक है, समथिंग कॉल्ड द ब्राह्मिन्स, ठीक है। आप देखिए कि ऋग्वेद के अंदर भी वो ब्राह्मिन से रिलेटेड कंसेप्ट यूज हुआ है, ठीक है। परफॉर्म वेरियस रिचुअल, जो रिचुअल को परफॉर्म करते थे वो प्रिस्ट कहलाते थे, उसको एक डोमिनेट या फिर कह सकते एक नॉमिनेटेड ब्राह्मिन से नाम से जाना जाता। देन राजा, दीज राजास वर नॉट लाइक द वंस विल लर्निंग अबाउट लेटर, ठीक है। अब जो इस जो पर्टिकुलरली अपने मॉडर्न टाइम में राजा का यूज होता था, उस प्रकार से कोई राजा का यूज वर्ड नहीं होता था, ठीक है। दे डिड नॉट हैव कैपिटल सिटीज, अब राजा की ऐसे नहीं कि सर राजा होगा तो उसकी जो कैपिटल सिटी होगी, ठीक है, प्लेसेज होगा, ठीक है, आर्मी भी होगी, ठीक है। दे डिड नॉट कलेक्ट टैक्स, ठीक है। राजा वो पावरफुल मैन होता था उस टाइम में, ठीक है, पावरफुल मैन विच कैन हेल्प सोसाइटी टू फाइट एंड विन बैटल, ठीक है। ये इस टर्म में राजा का यूज होता था, ठीक है, विन द बैटल, ठीक है। अगर देखिए इसके अंदर पर्टिकुलरली लिखा हुआ है कि जो इसके पास राजा के पास में ना तो कोई कैपिटल सिटी होती थी, कोई राजधानी नहीं होती थी, कोई आर्मी वगैरह भी नहीं होती थी, और ये जो राजा होता है वो टैक्स भी कलेक्ट नहीं करता था। अगर आपको ये टर्म्स यूज़ करना है, समझना है, तो आपको इन बातों की ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट मूव ऑन, लिखा है कि जनरली जो सन है डिड नॉट ऑटोमेटिकली सक्सीड फादर एज द राजा, ठीक है। आप देखेंगे कि जो सन है वो राजा नहीं बन सकता है, क्यों? अगर देखिए, अगर कोई राजा है जो पावरफुल मैन है, ठीक है, ठीक है, उसको राजा कहा गया है, ठीक है, अगर बाय चांस उसका सन है वो कमज़ोर निकला, ठीक है, वो पावरफुल नहीं रहा, उसकी जो बॉडी है उस हिसाब से नहीं है कि वो युद्ध के अंदर फाइटिंग कर सके, तो उसको क्या है, राजा नहीं बनाया जाता था, ठीक है। जो मिडिवल टाइम में आप देखेंगे कि जो यूजुअली जो सन होता था, राजा का बेटा होता था, वो राजा बन जाता था, लेकिन इस संदर्भ में ऐसा कुछ भी नहीं है। वो विच पीपल विच कैन, या फिर वो कैन, हु कैन, यहाँ पे हु कर दीजिए, ठीक है, हु कैन हेल्प सोसाइटी को, अगर कुछ हेल्प कर दे, कह सकते हैं कि वॉर फाइटिंग के अंदर, ठीक है, एंड बैटल के अंदर, तो वो राजा कहलाता था, ठीक है। नेक्स्ट मूव ऑन, टू वर्ड्स वर यूज्ड टू डिस्क्राइब द पीपल और द कम्युनिटी एज ए होल। अब देखिए इसके अंदर दो बात तो होगी, एक तो होगी प्रिस्ट की बात, ठीक है, आपने देखा कि प्रिस्ट की बात हुई, ठीक है, दूसरी की जो लीडर होता था, ठीक है, लीडर की बात होगी, वो होगा राजा, ठीक है, ये हुआ ब्राह्मीन, प्रिस्ट हुआ ब्राह्मीन, ठीक है। अब ये तो बड़ी बड़ी बात होगी, जो नॉर्मल जो कम्युनिटी थी उसको किससे डिनोट करते थे, किससे रिलेटेड हम पुकारते थे, तो उससे रिलेटेड हम बात करेंगे कि जो एक तो होता था जन, जन मतलब कॉमन पर्सन, ठीक है, कॉमन पर्सन, आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए, मेरा एक ही इंटेंशन है, ठीक है। और नेक्स्ट जो होता था विश, और उसको हम जो विश है, या फिर धीरे धीरे वो विश होता था जो सर्विस प्रोवाइड करवाता था, ठीक है, सर्विस प्रोवाइडर, कैसे धीरे धीरे इसको विश से धीरे धीरे इसको हो गया वैश्य, ठीक है, वैश्य कैसे लिखेंगे, ऐसे वैश्य, वैश्य बन गया वैश्य, ठीक है। तो जो सर्विस प्रोवाइडर थे, ठीक है, कॉमन मैन को, राजा को, प्रिस्ट को, उसको विश बोलते थे, जो जन जो कॉमन पर्सन थे उसको जन बोलते थे, इस इन रेफरेंस द ऋग्वेद के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट मूव ऑन, पुरु जन विश, ठीक है, आप ये कुछ एग्जांपल है, आप देख सकते हैं कि जो पुरु जन और विश है, ये देखिए, ठीक है, भारत जन एंड विश, यदु जन एंड विश, एंड सो ऑन, इस प्रकार से जो जन और विश का कॉम्बिनेशन होता था कम्युनिटी के अंदर।
नेक्स्ट मूव ऑन पीपल हु कंपोज द हिम्स डिस्क्राइब देमसेल्व एज आर्या. ठीक है, अब देखिए जो हिम का कंपोज किया है, ठीक है, आप जो भजन वगैरह होते हैं या फिर श्लोक है उनका जो कंपोजिशन किसके द्वारा किया हुआ, उनको हमने बोला आर्या. तो आर्या कौन होते थे? वो होते थे ब्राह्मींस. इसको बोलेंगे या फिर कह सकते हैं इसको हाई क्लास सोसाइटी या फिर हाई क्लास पर्सन भी एक डिनोट के रूप में देख सकते हैं. ठीक है, देयर ओपोनेंट और उसके जो ओपोजिशन के अंदर थे दास, जो उनको सर्विस देते थे या फिर उनकी सेवा करते थे. और इसका जो नाम भी दासस कह सकते हैं या फिर दस्यूज, इनके जो ऋग्वेद के टर्म में ये यूज हुआ. कोई डाउट इनसे रिलेटेड, कोई डाउट हो तो बता दीजिए. सॉरी, नेक्स्ट मूव ऑन. अब देखिए साइलेंट सेंटिनल द स्टोरी ऑफ मेगालिथ. मैंने कल आपको एक्सप्लेन किया था चैप्टर के अंदर कि टाइम पीरियड आप देखेंगे तो उसके अंदर आप पाएंगे कि जो 2 million years ago, ठीक है, से लगाकर आप 12,000 years ago तक आएंगे तो ये था पैलियोलिथिक. मैंने एक्सप्लेन किया था, ठीक है, और 12,000 years ago से आप 10,000 के अंदर आएंगे तो इसको बोलेंगे मीजोलिथिक. ठीक है, ये 10,000 years ago, ठीक है, इसको बोलेंगे मीजोलिथिक. और इसके अंदर हमने पढ़ा था एक टर्म, कौन सा टर्म पढ़ा था अगर आपको याद नहीं है तो मुझे लगता है कि आपको रिवीजन करने की ज़रूरत है. माइक्रोलिथ हमने टर्म पढ़ा था. माइक्रोलिथ मतलब जो छोटे छोटे कंकड़ पत्थरों का यूज हुआ है, ठीक है. और नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि जो अभी जो वर्तमान का टाइम पीरियड है ये है न्यूलिथिक. वो कहाँ से स्टार्ट हुआ है? 10,000 years से लगा के वर्तमान प्रेजेंट टाइम तक. और इसके अंदर जो यूज हुआ है पर्टिकुलरली वर्ड, उसका नाम है मैक्रोलिथ या फिर मेगालिथ. ठीक है, अब देखिए जो मेगालिथ, अब ये अगर छोटे कंकड़ पत्थर है उनका यूज है तो इसके अंदर बड़े कंकड़ पत्थर हो सकते हैं या फिर पत्थर हो सकते हैं, स्टोन हो सकते हैं. द प्रैक्टिस ऑफ क्रिएटिंग मेगालिथ बिगिन अबाउट 300 years ago, यहाँ से हुई है. ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 3000 years ago, ठीक है, वाज प्रीविलेंट थ्रू आउट द डेक्कन साउथ इंडिया एंड द नॉर्थ ईस्ट कश्मीर. ये जो कहाँ कहाँ प्रविलित या फिर प्रचलित थी 3000 years ago में ये प्रचलन हुआ मेगालिथिक. क्या क्या कैरेक्टर वो हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, थीके? और ये कहाँ कहाँ प्रचलन में था, ये दक्कन रीजन में, साउथ इंडिया रीजन में एंड और जो नॉर्थ ईस्ट एंड कश्मीर के रीजन में. आप देखेंगे जो नॉर्थ इंडिया रीजन में ये पर्टिकुलरली प्रिवेंट या फिर प्रिवलेंस इनका नहीं था. ठीक है, अब मेगालिथ के अंदर क्या, आप देखिए इस साइड को देखिए आप, ठीक है, दिस टाइप ऑफ मेगालिथ, ये है मेगालिथ का एक कह सकते हैं कि जो बड़े बड़े कंकड़ पत्थर है इनका देखिए यूज हुआ है. ठीक है, तो ये हुआ है मेगालिथ, ये करीबन 3000 years ago. वेरी सॉरी, देखिए वाइल मेगालिथ कैन बी सीन ऑन द सरफेस ऑफ द मेगल. ठीक है, आप देखिए कि जो ब्यूरियल है या फिर कब्र है उसके अंदर ये जो मेगालिथ पत्थर का यूज हुआ है उसका जो अनुमान लगाया हुआ है जो इनकी जो एज है वो 3000 years ago. और ये कौन से टाइम पीरियड के अंदर, ये न्यूलिथिक टाइम पीरियड के अंदर आता है. नेक्स्ट मूव ऑन. जनरली द डेड वर ब्यूर्ड विथ अ डिस्टिंक्टिव पॉट. जनरली जो डेड है या फिर जो मरे हुए हैं उनको अगर ब्यूर किया जाता है, ठीक है, तो वो डिस्टिंक्टिव पॉट्स, ठीक है, एक अलग प्रकार से जो बर्तन है उनके साथ में या फिर कॉल्ड ब्लैक एंड रेड वार, ठीक है, ऑल्सो फाउंड द टूल्स वेपन्स ऑफ आयरन समटाइम्स स्केलेटन हॉर्सेस इक्विपमेंट एंड ऑर्नामेंट ऑफ स्टोन्स एंड गोल्ड. देखो जो कब्र के अंदर किसी व्यक्ति को ब्यूरियल या फिर ब्यूड किया जाता था तो उसके साथ में कुछ बर्तन टाइप के हो सकते थे, उनको साथ में दफनाया जाता था, ठीक है, ब्लैक एंड रेड वायर
वेयर, ठीक है, और उसके साथ में टूल्स। अब सर टूल्स देखिए, जो हड़प्पा टाइम में आयरन का यूज नहीं हुआ करता था, मैंने बताया था कि आयरन बाद में आएगा, उस टाइम में हड़प्पा के टाइम में जो हड़प्पा की जो टाइम पीरियड था वो 4700 ईयर एगो, ठीक है, उस टाइम में आयरन इज नॉट प्रेजेंट, आयरन इज नॉट प्रेजेंट। लेकिन इस टाइम में क्या है, आयरन के टूल्स भी है, ठीक है। आप देखिए कि जो इस पार्ट में आप देखेंगे कि जो आयरन इक्विपमेंट फाउंड इन मेगालिथ ब्यूरियल, ठीक है, लेफ्ट के अंदर आप हॉर्स इक्विपमेंट, ये देखिए हॉर्स इक्विपमेंट है, ठीक है, एक्सेस है, ये कुल्हाड़ियाँ और डैगर, ये कटार देखिए, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि जो किस प्रकार से टाइम पीरियड चेंज होने के साथ साथ ये जो चेंज हो रहा है, पहले जो स्टोन के ऑर्नामेंट हो बनते थे या फिर कह सकते हैं स्टोन से रिलेटेड सारे के सारे टूल्स भी बनते थे, लेकिन अब ऑर्नामेंट एंड स्टोन गोल्स वगैरह सारे के सारे प्रेजेंट हुए। नेक्स्ट मूव ऑन, ये मैप काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैंने उस दिन भी बताया था कि ये मैप काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके अंदर हमने बताया था कि जो पैलियोलिथिक साइट है, ठीक है, न्यूलिथिक साइट उस दिन ही हमने स्टडी कर दिया था। अब मेगालिथ साइट, आज के जो क्लास के अंदर मेगालिथ साइट का स्टडी कर रहे हैं, ये इसका टाइम पीरियड है 3000 ईयर एगो, ठीक है। और न्यूलिथिक साइट आप इसी के पार्ट कह सकते हैं न्यूलिथिक साइट के अंदर, ठीक है। जो ब्रह्मगिरी है ये एक कह सकते हैं कि मेगालिथ साइट है, ठीक है, अचिनालूर, और एक और कौन सी है, हाँ दो साइट है वो मेगालिथ साइट है, ठीक है। और इस मैप के अंदर आपको इमाम गांव, ठीक है, ये क्या है, अर्ली विलेज, ये काफ़ी अपने इस चैप्टर के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो इमाम गांव कहाँ है इसको भी आप ध्यान में रखना। तो इस चैप्टर के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं एक तो ब्रह्मगिरी की और एक दूसरी इमाम गांव की स्टडी करने वाले। नेक्स्ट मूव ऑन, फाइंडिंग आउट अबाउट सोशल डिफरेंसेस। सर हम सोशल डिफरेंस क्या, आपने तो बता दिया कि यस, मैंने क्या बताया, देखिए मैंने बताया कि जो राजा है, आर्यंस है, दस्यूज है, या फिर दास है, जन है, विश, इसके अंदर सोसाइटी डिवाइडेड थी, ठीक है। लेकिन सोशल डिफरेंस का पता कैसे करेंगे, उसके बारे में सर क्या सोशल डिफरेंस था, क्या सभी लोग समान थे, इसके बारे में हम कैसे पता करेंगे। तो आपको समझना है कुछ रिमेन्स है उनसे। अब ब्रह्मगिरी के अंदर आप जाएंगे तो हियर वन स्केलेटन वाज ब्यूड विथ 33 गोल्ड बीड्स, देखिए 33 गोल्ड मोती, टू स्टोन बीड्स, फोर कॉपर बेंगल्स एंड वन कॉन्स सेल। देखिए ये सब एक जो साइट है उसके साथ में, सॉरी ब्यूरियल है, उसके साथ में ये सब ऑर्नामेंट मिले हैं, ठीक है। और अगर आप दूसरा स्केलेटन देखेंगे तो उसके अंदर ओनली फ्यू पोर्ट्स, सिर्फ बर्तन ही मिले हैं, ठीक है। और दिस फाइंड सजेस्ट दैट देयर वाज सम डिफरेंस इन स्टेटस अमंगस्ट द पीपल हु वर ब्यूर्ड, ठीक है। दफनाए गए पीपल के अंदर भी आप देख सकते हैं कि डिफरेंस था, तो आप सोसाइटी के अंदर डिफरेंस का आप अनुमान लगा सकते हैं कि डिफरेंस होगा। इसलिए तो इसके थ्रू इसने जो इन्होंने अनुमान लगाया है कि सम वर रिच, ठीक है, देख सकते हैं कि सम वर रिच एंड अदर आर पुअर, ठीक है, सम सिप्स एंड अदर आर फॉलोअर, ठीक है, देख सकते हैं आप। तो किस प्रकार से हमें ये डिफरेंस पता चला, किस प्रकार से चला कि कुछ जो दफनाए हुए जो आप देखेंगे कि जो साइट है तो उसके अंदर ऑर्नामेंट मिल रहे बड़े बड़े कीमती या फिर प्रेस्टिजियस मेटल की, जैसे कि गोल्ड है, स्टोन है, कॉपर है, ठीक है। और दूसरे अंदर सिर्फ जो पोर्ट्स के कुछ अवशेष मिले हैं, इसका मतलब है जो पोर्ट्स है ओनली मिट्टी से सैंड से मिलता था, वो काफ़ी एक कह सकते हैं कि पूर्व फैमिली से बिलोंग करता होगा। तो ब्रह्मगिरी साइट हमें काफ़ी इम्पोर्टेंट अवशेष देती है। और ब्रह्मगिरी की साइड में आप देख सकते हैं कि ये साउथ ऑफ इंडिया के साउथ साइड में है ब्रह्मगिरी, ठीक है, ब्रह्मगिरी। ओके नेक्स्ट मूव ऑन, वर सम ब्यूरियल स्पोर्ट मेन ऑफ सर्टेन फैमिलीज। आप देखेंगे कि क्या सर जो ब्यूरियल मिले हैं या फिर जो दफनाए हुए साइट्स मिले हैं उसके अंदर आप देख सकते हैं कि कोई एक पर्टिकुलर फैमिली से भी बिलोंग करता होगा। यस यू कैन से दैट अगर हम देखेंगे कि कुछ ब्यूरियल है, माना कि ये कुछ साइट बनी हुई है ब्यूरियल की,
ठीक है। इसके अंदर आप देखेंगे कि जो कभी कभार आप देखेंगे कि जो ब्यूरियल है एक साथ बनाए हुए है, ठीक है, और वो भी कहाँ बनाए हुए, कोर्ट यार्ड में, आंगन के अंदर बनाए हुए, ठीक है। और इसको अच्छे से देखेंगे तो इसके अंदर से काफी क्या है, एक ओल्ड ब्यूरियल है, इसके नीचे भी है, ठीक है, इसके नीचे भी ओल्ड ब्यूरियल है, इससे भी काफी नीचे। तो आप इसके अंदर आप पाएंगे कि यस, कुछ जो ब्यूरियल है वो सर्टेन एक फैमिली से बिलोंग करते होंगे, इसलिए उनको एक साथ दफनाया गया है, ठीक है। आप इस प्रकार से कह सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मूव ऑन, ए स्पेशल ब्यूरियल इट इमाम गांव। अब आप इनाम गांव की देखेंगे, ठीक है, मैंने बोला था इनाम गांव इज इम्पोर्टेंट फॉर आवर चैप्टर। देखिए ये रहा इनाम गांव, ठीक है, इस ये जगह सॉरी देखिए इनाम गांव, ये जो स्पेशल ब्यूरियल साइट है उसके अंदर क्या मिला हमें, देखिए, इट इज अ साइट ऑन द रिवर ऑफ गॉड, ए ट्रिब्यूटरी ऑफ भीमा। अब आप देखेंगे जो भीमा है वो किसके सहायक है, वो कृष्णा नदी की जो ट्रिब्यूटरी है, और भीमा की जो सहायक नदी है गौर, उसकी जो किनारे पे ये जो इनाम गांव ये मिला है, ठीक है, ये जो इसकी एज बता रहा है 3600 से लगाकर 2700 ईयर एगो ईयर एडल्ट्स वर जनरली ब्यूड इन द ग्राउंड लेड आउट स्ट्रेट विथ द हेड टुवर्ड द नॉर्थ। अब जो हेड है, हेड्स है जो किसका, ब्यूरियल का हेड्स है, उसका जो नॉर्थ साइड में हेड है, ठीक है, आप किसी भी ब्यूरियल को देखेंगे जो हेड है उसका नॉर्थ साइड में, जो एडल्ट है वो ग्राउंड के अंदर ही दफना दिया जाता था। समटाइम्स ब्यूरियल वर विथ इन द हाउस, जो कभी कभार क्या है कि जो ब्यूरियल है वो हाउस के अंदर ही दफनाए दिया जाए, मैंने बोला कोर्ट यार्ड के अंदर, ठीक है, आंगन के अंदर ही दफना दिए जाते थे, ठीक है। वेसल्स, ठीक है, दैट प्रोबेबली कंटेंड फूड वाटर वर प्लेस्ड विद द डेड। अब कुछ जो औजार है या फिर कह सकते हैं वेसल्स या फिर कुछ उपकरण है या फिर कुछ बर्तन वगैरह, वो उस साइट के साथ में ही दफना दिए जाते थे, ब्यूरियल साइट के साथ में ही दफना दिए जाते थे, ताकि उस जो डेड है उसको क्या है, भोजन पानी उपलब्ध हो, ऐसी कुछ उनकी धारणाएं थी, ठीक है। कभी कभार आप देखेंगे कि जो अपनी साइट पे जाना, ब्यूरियल साइट पे जाना या फिर कुछ शमशान घाट में जाना, तो आपको कभी कभार मिलेगा कि कुछ पानी का जो पोर्ट बना हुआ है, ठीक है, घड़ा पड़ा रहता है। उसका मेन रीजन यही है कि अभी भी वो अजम्पशन या फिर धारणा या फिर रिचुअल्स परफॉर्म किए जाते हैं, ताकि क्या है, पानी वगैरह वो डेड को पी सके आराम से, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं एक्चुअल में, ठीक है। वन मैन वाज फाउंड ब्यूड इन ए लार्ज फोर लेग्ड क्ले जार इन द कोर्ट यार्ड। अब जो एक मैन है इनाम गांव के अंदर, वो काफ़ी बड़ी साइट पे दफनाया हुआ मिला, फोर लेग क्ले जार, ठीक है। अब जो मिट्टी का जार है वो भी उसके साथ में दफनाया हुआ मिला। फाइव रूम्ड हाउस, वन ऑफ द लार्जेस्ट हाउस एट द साइट। अब ऐसा जो कह सकते हैं कि उस जो इनाम गांव के अंदर सबसे बड़ा घर मिला, ठीक है, 5 कमरों वाला, ठीक है, 1, 2, 3, 4 और 5 कमरों वाला घर मिला, उसके साथ में ये दफनाया गया, ठीक है, इन द सेंटर ऑफ द सेटलमेंट। अब सेटलमेंट मतलब कैसे, जो गांव का सेटलमेंट हुआ था उसके सेंटर के अंदर ये जो साइट मिली थी इनाम गांव के अंदर। तो आप कह सकते हैं कि इससे अजम्पशन लगाया जाए, दिस हाउस ऑल्सो हैज ए ग्रेनरी। इस हाउस के अंदर क्या ग्रेनरी भी था, ग्रेनरी मतलब जिसके अंदर क्या जो अनाज वगैरह है या फिर सीरियल्स है उसका स्टोरेज किया जाए, स्टोरेज ऑफ सीरियल्स, ठीक है, स्टोरेज ऑफ सीरियल्स क्या है, स्टोर कर सके, ठीक है। तो इस प्रकार की कोई साइट मिली है, तो इस प्रकार से आप अजम्पशन कह सकते हैं कि इतना बड़ा घर है 5 कमरों वाला, ठीक है, काफ़ी जो इम्पोर्टेंट बर्तन के साथ में उसको दफनाया गया है, ठीक है, वो साइट जो सेटलमेंट है उसके बीसों बीस में है, ठीक है, कोर्ट यार्ड में ही दफनाया गया है, उसके साथ में जो ग्रेनरी भी है, ठीक है, और बॉडी वाज प्लेस इन क्रॉस लेग पोजीशन, क्रॉस लेग पोजीशन के अंदर बॉडी को प्लेस किया हुआ। तो इस प्रकार से हम अजम्पशन लगा सकते हैं कि ये किसी राजा से रिलेटेड हो सकता है या फिर लीडर से रिलेटेड ये ब्यूरियल साइट हो सकती है, ठीक है, क्योंकि
आम पर्सन के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि हर किसी को इस प्रकार से सुसज्जित करके दफनाया जाए. नेक्स्ट मूव ऑन, व्हाट स्केलेटन स्टडीज टेल अस, जो स्केलेटन मिलते हैं अपने ब्यूरियल साइट में वो हमें क्या बताते हैं. ठीक है, अगर आप देखेंगे जो स्केलेटन मिले हुए, ठीक है, अगर आप उसकी साइज छोटी है या फिर स्मॉल साइज है तो आप पाएंगे कि ये हो सकता है बिलोंग टू चाइल्ड. ठीक है, अगर आप ज्वेलरी के साथ में मिलते हैं, ठीक है, ये बिलोंग टू वुमेन हो सकता है, विमेन हो सकता है बिलोंग टू, लेकिन ये कंफर्म नहीं है कि क्या पता उसके साथ में मेंस भी ज्वेलरी पहनते होंगे. काफ़ी जगह रिचुअल्स में ये होता है कि मेंस को भी दफनाया जाता है ज्वेलरी के साथ में. लेकिन जो फाइनल स्ट्रक्चर मिलता है अपने को, बोन स्ट्रक्चर, अगर आप बोन की स्टडी करेंगे तो उसके अंदर आप देखेंगे कि अगर आप चाहते हैं कि ये विमेन है या फिर मैन है, इसके अंदर आप क्या डिफरेंट करना चाहते हो, तो जो मैन का पेल्विक पार्ट होता है, पेल्विक पार्ट वो क्या होता है, शॉर्टर होता है, शॉर्टर. और इसका जो विमेन का पेल्विक पार्ट होता है, आप देखेंगे अगर आप साइंस के अंदर नहीं पढ़े तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा या फिर आपको सजेस्ट करूंगा कि जो साइंस से रिलेटेड अपनी एनसीईआरटी की क्लासें देखें, ताकि उसके अंदर आपको बोन स्ट्रक्चर भी आपको अच्छे से कंफर्म हो जाए. पेल्विक पार्ट ये होता है, लार्जर कह सकते हैं, ठीक है, थीके? या फिर कह सकते हैं थोड़ा बड़ी साइज में होता है, ताकि जो बच्चे की चाइल्ड रियरिंग वो अच्छे से हो जाए. ठीक है, ओके, ये तो हो गया जो स्केलेटन है उसके हिसाब से हम क्या अनुमान लगा सकते हैं कि क्या वास्तव में ये मैन है विमेन है, इस प्रकार से. नेक्स्ट मूव ऑन, ऑक्यूपेशन एट इनामगांव. अब देखेंगे कि जो ऑक्यूपेशन इनामगांव में था वो किस प्रकार से हम अनुमान लगा सकते हैं. आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड सीड्स ऑफ वीट, देखिए, बार्ले, राइस, पल्सेस, मिलेट्स, पीस एंड सीसम, इस प्रकार के कुछ सीड्स मिले इनाम गांव के अंदर. ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि जो ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो सकता है. ठीक है, नंबर ऑफ एनिमल्स, मैनी बियरिंग कट मार्क्स दैट शो दे मे हैव बीन यूज्ड एज फूड हैव आल्सो बीन फाउंड. कुछ की जो हड्डियां भी कटी हुई मिली, तो इसका ये अनुमान लगा सकते हैं कि जो भोजन के रूप में भी ये जो एनिमल्स है इनका यूज होता हो. जो ये एनिमल्स के अंदर आप कैटल है, बफेलो है, गोट है, सीप है, डॉग है, हॉर्स है, एस है, पिग, सांबर, स्पॉटेड डियर, ब्लैक बक, एंटीलोप, हेयर एंड मैंगूज, बिसाइड बर्ड्स, क्रोकोडाइल, टर्टल, क्रैब, फिश, दिस एनिमल फाउंड इन इनामगांव साइट ऑफ आर्कियोलॉजिकल. ओके, देयर इज एविडेंस ऑफ फूड के भी एविडेंस मिले. ठीक है, सस बेर, आमला, जामुन, डेट्स एंड वेराइटी ऑफ बेरीज वर कलेक्टेड. तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि जो इकोनॉमी है या फिर ऑक्यूपेशन है मेनली वो क्या है, या तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है ऑक्यूपेशन. सेकेंड आप कह सकते हैं कि एनिमल हजबेंड्री, ठीक है, एनिमल हजबेंड्री से रिलेटेड ऑक्यूपेशन हो सकता है, इस प्रकार से ये अनुमान लगाया जा सकता है. नेक्स्ट मूव ऑन, आपको ये सब कीवर्ड्स हमने देखा है, वेद क्या है, लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज जो इनकी फैमिली, लैंग्वेज फैमिली भी क्या है, हिम क्या है, चैरियट रथ क्या होता है, सेक्रीफाइस क्यों करना पड़ता था, ठीक है, राजा स्लेव कौन होते हैं, मेगालिथ क्या है, ब्यूरियल साइट क्या है, स्केलेटन क्या है, आयरन. देखो स्केलेटन का आप सिंपल, अगर हिंदी वाले हो आपको नहीं पता है, तो स्केलेटन का मतलब होता है हड्डियों का ढांचा. ठीक है, हड्डियों का ढांचा ये होता है स्केलेटन. ठीक है, नेक्स्ट सम इम्पोर्टेंट डेट्स. अब आप देखने हैं कि डेट्स है वो कौन कौन सी इंपोर्टेंट है. ठीक है, आप देखेंगे कि बिगनिंग ऑफ द कंपोजिशन ऑफ वेदास का जो कंपोजिशन 3500 ये रेगो से स्टार्ट हुआ, बिगनिंग ऑफ द बिल्डिंग ऑफ मेगालिथिक. ठीक है, मेगालिथ जो इसकी शुरुआत हुई 3000 ईयर एगो. ठीक है, सेटलमेंट एट इनामगांव के अंदर 360 या फिर कह सकते 300
सॉरी 3600 से लगाकर 2700 ईयर एगो तक ये सेटलमेंट हुआ है इनाम गांव के अंदर। चरक संहिता के आप बारे में पढ़ेंगे तो ये 2000 ईयर एगो तक या फिर कह सकते उससे रिलेटेड थी। नेक्स्ट, अगर ये क्लास हुई अपनी कंप्लीट, ठीक है, ये आपको आई थिंक आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप ये साइट प्राप्त करना चाहते हो स्लाइड, ठीक है, अगर आपको पसंद आया हो तो आई होप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।